सो हेलो गाइज यार, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो ये इस ड्राइंग का दूसरा पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग इजीली सेट कैसे कर सकते हो हाइपर रियलिस्टिक। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। सो अभी सेटिंग स्टार्ट करते हैं। सो अभी यहाँ पर मैं HB पेंसिल के हेल्प से बेज लेयर लगा रहा हूँ और उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए मेकअप ब्रश का यूज़ करूँगा। और आप सभी लोगों के पास मेकअप ब्रश नहीं है तो आप किसी भी कॉटन बड का भी यूज़ कहाँ पर कर सकते हो। अभी सबसे पहले आईबॉल में सेट करने के लिए यहाँ पर मैं 2B पेंसिल की हेल्प से डार्क कर रहा हूँ और रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके हमें ड्रॉ करना है। और इस हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि ये ड्राइंग आराम से करने के लिए है। और इस ड्राइंग की रेफरेंस फोटो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो भी डायरेक्ट डार्क एरियाज में डार्क करने के लिए यहाँ पर मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया है और उसको ब्लेंड कर दिया है। और अभी यहाँ पर वाइट जेली रोल पेन से मैं हाईलाइट्स दे रहा हूँ। हाइलाइटिंग टूल के लिए यहाँ पर मैं टोम्बो मोनो 0 इरेजर और निडेबल इरेजर का यूज़ करूँगा। सो भी आई शेड हो चुकी है। अभी ऊपर आईब्रोज बनाने के लिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट 8B पेंसिल से डार्क कर दूंगा। इस वीडियो में आप सभी को कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो भी फेस पे जहाँ पर भी कर्ली दिख रहा है वहाँ पर मैं HB पेंसिल से डार्क करूँगा उस लाइन को, और उसके आजू बाजू जो है शेड कर दूंगा डार्कली और अच्छे से रेफरेंस फोटो में देखकर हाइलाइट्स दूंगा और उसके बाद उसको ब्लेंड कर दूंगा। और हमें रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके अच्छे से डिटेलिंग देनी है क्योंकि ये हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अभी आइस के नीचे वाले पार्ट में शेड करने के लिए यहाँ पर मैं HB पेंसिल से 4B पेंसिल तक यूज़ करने वाला हूँ। और जहाँ पर ज़्यादा डार्क करना है वहाँ पर मैं 4B पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ। हाइलाइटिंग के लिए मैं निडेबल इरेजर का यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर आप नॉर्मल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हो। फेस में छोटी छोटी डिटेल्स दिखाने के लिए यहाँ पर मैं टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज़ करके डिटेल्स करूँगा और उसके ऊपर से मैं 10B पेंसिल से डॉट्स लगाऊँगा। अब इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करके पूरी आई को सेट करना है। और इस वीडियो में कुछ भी समझना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और ड्रॉ करते वक्त पेंसिल को शार्प रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है शेडिंग में पास पास स्ट्रोक्स लगेंगे। इस ड्राइंग के लिए मैं ब्रूस्ट्रो की पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ और आप सभी लोग किसी भी ब्रांड की पेंसिल यूज़ कर सकते हो। अभी आप लोग वीडियो में देख सकते हो मैं छोटी छोटी हाईलाइट्स जो है दे रहा हूँ। और शेडिंग करते वक्त हमें लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है। HB पेंसिल 2B पेंसिल ऐसे शेड करना है, डायरेक्टली डार्क नहीं कर देना है। बाकी और कुछ बताने लायक है नहीं। आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अभी यहाँ पर फर्स्ट आई हमारी शेड हो चुकी है और अभी सेम प्रोसेस की हेल्प से हमें दूसरी आई भी शेड करनी है। और कमेंट में बता देना ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को।